हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वस्ति नागर है और मैं जेलन मेडिकल कॉलेज अजमेर से एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। इस लेसन में हम लोग रक्त के बारे में यानी ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं और वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, उनकी मात्रा क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आएगा और आपको मेरी तरफ से गुड लक। तो सबसे पहले जब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ये बताना बहुत ही जरूरी होता है कि ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि जो टिश्यू सेल्स होते हैं और शरीर में अलग अलग तरह की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। और ये एक स्पेशल तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रक्त यानी ब्लड जो होता है वो बहता हुआ एक कनेक्टिव टिश्यू है, तरल है, फ्लूइड नेचर का है। और ब्लड की मात्रा शरीर में 5 लीटर तक होती है और ये थोड़ा एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी इसका पीएच 7.4 के आसपास का होता है, 7.35 से लेकर 7.45 तक का होता है। ब्लड में एक मैट्रिक्स होता है, तरल मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ब्लड में कुछ अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, और ब्लड में प्लाज्मा होता है जो कि पानी की काफी ज्यादा मात्रा से मिलकर बनता है। फिर हम आते हैं स्टडी ऑफ ब्लड पे, यानी कि जब ब्लड के बारे में पढ़ा जाता है तो उसको हिमाटोलॉजी कहते हैं, और जब रक्त के यानी ब्लड के बहाव के बारे में पढ़ा जाता है तो उसे हीमोडायनामिक्स कहते हैं। फिर हम आते हैं कि ब्लड यानी रक्त के दो भाग होते हैं, एक तो तरल भाग जो होता है जो कि लिक्विड पार्ट होता है, और एक ठोस भाग होता है जो सॉलिड पार्ट होता है। तो जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा से बनता है, 55% प्लाज्मा से, और जो ठोस भाग यानी कि सॉलिड भाग होता है वो कॉर्पसल्स यानी अलग अलग तरह की कोशिकाएं और कॉर्पसल से बनता है, जो 45% होता है। और इनका जो रेशियो होता है वो 11:9 होता है, यानी कि 55 और 45 का जो रेशियो आता है वो 11:9 होता है, उसको हम हिमाटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं। फिर हम आते हैं प्लाज्मा पर। प्लाज्मा जो कि रक्त का 55% बनाता है वो हल्के पीले रंग का होता है, और इसमें पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, 90 से 92% तक पानी की मात्रा होती है। और इसमें होते हैं इनऑर्गेनिक कंटेंट जो जो कि अलग अलग तरह के आयन होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन और नेगेटिव चार्ज वाले आयन। तो जो पॉजिटिव आयन है यानी जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन है यानी कि क्लोराइड, कार्बोनेट, पोटेश फॉस्फेट, ये सब आयन, ये सब मिलके प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा का एक बहुत ही अहम भाग होता है प्लाज्मा प्रोटीन से मिलके, जो ऑर्गेनिक भाग उसका बनता है जो कि 7% होता है, वो भी एक अहम भाग होता है। प्लाज्मा प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है एल्ब्यूमिन जो कि 4% होता है, और ये पानी को आकर्षित करता है अपनी ओर, यानी कि वाटर अट्रैक्टेंट होता है। और जो अलग अलग कोशिकाएं हैं उनके बीच की जो जगह होती है जिसको इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, उसमें परमीएबिलिटी की मदद से जब प्लाज्मा प्रोटीन इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपनी तरफ पानी को आकर्षित करते हैं, और जब वो अपने ओर पानी को आकर्षित करते हैं तब कोशिकाएं यानी सेल के बाहर की जो जगह होती है उसमें पानी एकत्रित हो जाता है, और इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर इडीमा भी कहा जाता है। फिर हम आते हैं फंक्शन पे। तो जो एल्ब्यूमिन होता है उसका सबसे अहम काम तो ये होता है कि एक तो वो प्लाज्मा बफर होता है, यानी कि रक्त का यानी ब्लड का जो पीएच है 7.4 उसको बनाए रखने में काम करता है, उसका काम करता है, और वो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को भी बैलेंस करके रखता है, यानी कि जितना रक्त में भाग अलग अलग कोशिकाओं को है उतना ही भाग पानी का बनाए रखने में मदद करता है। और एल्ब्यूमिन का काम होता है ब्लड का फ्लूइड नेचर, यानी कि जो तरल रक्त होता है वो नेचर बनाए रखने में, और एक काम होता है विस्कोसिटी बनाए रखने में, यानी कि रक्त का गाढ़ापन बनाए रखने में भी एल्ब्यूमिन की अहम भूमिका होती है।
फिर हम आते हैं ग्लोब्यूलिन पे, जो कि 2 से 3% तक होता है, ऑर्गेनिक भाग बनाता है। इसका स्ट्रक्चर, इसका जो बनावट होती है वो 3 डिग्री यानी कि टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के जैसी होती है, और इसका काम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना। इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने में, बाहर के ऑर्गेनिज्म से बचाने में कारगर होते हैं, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाए रखती है। फिर हम आते हैं फाइब्रिनोजन पे, जो कि 0.7% तक बनाता है ऑर्गेनिक भाग का। फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन होता है एक इनसल्यूबल क्लॉट, यानी कि जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, और ये क्लॉट बनाने में फाइब्रिन मददगार होता है। तो इसका काम होता है कि ब्लड लॉस यानी कि खून का, रक्त का ज्यादा बहाव रोकने में फाइब्रिन मदद करता है, फाइब्रिनोजन मदद करता है, क्लॉट बनाकर ऐसे ये मदद करता है। फिर हम आते हैं कॉर्पसल्स पे, जो कि सॉलिड यानी ठोस भाग बनाती है रक्त का। ये 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 तरह की कॉर्पसल्स होती है। इनमें ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी जो होती है, उसमें 2 प्रकार के ल्यूकोसाइट्स होती हैं, एक तो ए ग्रैन्यूलोसाइट्स और एक ग्रैन्यूलोसाइट्स। तो जो ग्रैन्यूलोसाइट्स होती हैं वो तो वो होते हैं जिसमें कोशिकाएं और सेल्स के अंदर अलग अलग तरह के छोटे छोटे पार्टिकल यानी ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, और ये ग्रैन्यूल जब स्टेन किए जाते हैं तो ये अलग से गाढ़े रंग के डार्क स्टेन करके हमें दिखाई पड़ते हैं। इनके उदाहरण है बेसोफिल, जो कि 0.5 से 1% तक होता है, एसिडोफिल जो कि 2 से 4% होते हैं, और न्यूट्रोफिल जो कि 60 से 65% तक होते हैं। इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस अलग अलग आकार प्रकार के दिखते हैं। फिर हम आते हैं ए ग्रैन्यूलोसाइट्स पर। तो ये वो उदाहरण है जिनमें सेल के, कोशिकाओं के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, और स्टेन करने पर भी पूरी सेल एक जैसी दिखती है, इसमें कहीं अलग अलग कोई भाग ज्यादा स्टेन लिए नहीं दिखता है। इसके उदाहरण है मोनोसाइट जो कि 3 से 8% होते हैं, और लिम्फोसाइट जो कि 20 से 35% होते हैं। फिर हम आते हैं आरबीसी की बात करने पे। आरबीसी जो होती है उसका डायमीटर यानी गोलाई में 7.5 माइक्रोन होता है, और सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीयूमा की होती है, जो 75 माइक्रोन का डायमीटर लेके होती है। आरबीसी बनती है रेड बोन मैरो में, और इसके बनने के तरीके को, प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन यानी जो जिंदगी आरबीसी की, जितने जितना जीवन उसका होता है वो 120 दिनों का या 3 महीनों का होता है। ये नंबर में 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ पाए जाते हैं, और कभी हम ऊंचाई पे जाते हैं यानी कभी किसी ऊंचाई या हिल स्टेशन पे जाने पर, या फिर व्यस्क व्यस्क लोगों में आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि बुढ़ापे में और बहुत नए नए पैदा हुए किसी बच्चे में आरबीसी की मात्रा कम होती है। मेल्स में आरबीसी की मात्रा ज्यादा है, और फीमेल्स में यानी स्त्रियों में आरबीसी की मात्रा बहुत ही कम होती है। अनीमिया में भी आरबीसी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। फिर हम आते हैं साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि आरबीसी कहाँ कहाँ बनती है। तो लिम बोन्स यानी कि पैर और हाथ की जो हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन्स ऑफ द लिम्ब, उसमें रेड बोन मैरो जहाँ पाया जाता है वहां पे आरबीसी बनती हैं। और फीटल लाइफ में यानी कि बच्चा जब माँ की कोख में होता है तब स्प्लीन, लिवर, थाइमस और योक सैक में आरबीसी बनती हैं। फिर हम आते हैं डब्ल्यूबीसी, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम मोनोसाइट्स की बात करेंगे। तो जो सबसे बड़ी सेल होती है डब्ल्यूबीसी में, उसको मोनोसाइट बोला जाता है। अमीबॉइड शेप यानी कि इसका कोई
कोई पता नहीं होता कि इसका शेप किस तरह का होगा। एक अमीबॉइड शेप का होता है, यानी कि कोई भी तरह का आकार प्रकार ये सेल ले सकती है। डायपीडेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जब कैपिलरी की जो दीवारें हैं उससे सेल बाहर निकल के कहीं और जाती है, उसको डायपीडेसिस बोलते हैं। और इसका मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस, यानी बाहर से आए कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसी ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको हटाने में मददगार है, तो ये फैगोसाइटोसिस होता है। लिम्फोसाइट्स की जब हम बात करें तो इनका भी काम होता है हमारे शरीर का प्रोटेक्शन, यानी उसको बचा कर रखना। ये दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडी का जो एंटीबॉडी बनाने में मददगार होती है, और टी लिम्फोसाइट्स जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम करती हैं। फिर हम आते हैं बेसोफिल पे। तो जब भी कोई एलर्जी जैसी कंडीशन आती है हमारी बॉडी में, कोई एलर्जी हो जाती है, तब हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन ये तीन तरह के सिक्रीशन होते हैं। इनकी वजह से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन से हमारे शरीर को बचाया जा सकता है, जो कि बेसोफिल सिक्रीट करती है। फिर हम एसिडोफिल्स की बात करते हैं। कोई भी तरह का पैरासाइट, यानी रिंग वर्म, राउंड वर्म, पिन वर्म, इनसे बचाने के लिए एसिडोफिल्स यानी इओसिनोफिल्स काम करती हैं। फिर न्यूट्रोफिल की जब हम बात करते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कई अलग अलग आकार और प्रकार का हो सकता है इसको, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियस अलग अलग आकार प्रकार ले सकता है। ये सबसे छोटे होते हैं पर सबसे ज्यादा होते हैं सारे WBCs में से, और इनका काम भी होता है फैगोसाइटोसिस, जो कि मोनोसाइट्स का भी काम होता है। फिर हम आते हैं प्लेटलेट्स पे, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट्स के छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि कुछ बड़ी सेल होती है जिनको मेगा कैरियोसाइट बोला जाता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े प्लेटलेट्स बनाते हैं। इनका नंबर जो है वो 1.5 से 3 लाख पर mm³ होता है। इनका भी आकार कुछ किसी एक प्रकार के आकार में नहीं पाई जाती है, अलग अलग तरह के आकार प्रकार ले सकती है ये सेल भी। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनका जो साइज है वो 5 से 7 माइक्रोन तक का होता है, और इनका फंक्शन होता है कि ये थ्रोम्बोकाइनेज नामक एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में मदद करता है, और फिर यही थ्रोम्बिन जो बनता है वो कैल्शियम की मदद से फाइब्रिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको फाइब्रिन में बदलता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है पर एक मोनोमर होता है। तो कई सारे फाइब्रिन के मोनोमर मिलके जब फाइब्रिन का पॉलीमर बना लेते हैं, उसको ब्लड क्लॉट बोला जाता है। ये इनसोल्यूबल क्लॉट होता है, यानी कि किसी भी तरह से डिजोल्व होके टूटता नहीं है, काफी समय तक बना रहता है, और जब किसी चोट से रक्त बहुत बहने लगता है तब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, तब ब्लड क्लॉट बनता है, और ये फाइब्रिन के पॉलीमर्स से बनता है ताकि रक्त ज्यादा हमारे शरीर से ना बहे। तो इस लेसन में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप सबको गुड लक।